اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد و آل محمد اچل فرجا قائم آل محمد اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا تواب بحق يا شمس الى مقلب يا مقلب القلوب يا مسافر شام ادركني 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 في سبيل الله خدايا بحق الحسين ذکر حسین علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما مالک اللہ بانیان مجلس تے عزت رزق بخت اچ بے بہا اضافہ فرما جس سے یہ زادے دے اس آل سواب واسطے مجلس پاک دا اہتمام ہے مالک اللہ سید ذیشان عباس رضوی دے درجات بلند فرما کریم اللہ قرب معصومین جگہ عطا فرما لوائقین نو مالک صبر جمیل عطا فرما کریم اللہ قبر نو کشادہ فرما اللہ سن رزق شعور عطا فرما اللہ سن آل محمد دی معرفت عطا فرما بے نیاز اللہ شیعہ قوم نو سلوک اور اتفاق دی برکت عنایت فرما میرا مالک اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما ایک تخصیصی دعا ہے اپنی اپنی غرض اور ضرورت دے تحت آمین آکھ لینا بے نیاز اللہ جڑے مومن زدار قرضدار امام علی ابن موسیٰ رضا دے خزانے چوں اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرض ادا کر سکے لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا اکو التجا ہر دل دی صدا بانیے فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت دوراں ضرورت زمانہ اللہ ولی العصر بادشاہ دے ظہور تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات باواز بلند تلاوت مجمع کافی ہے کوشش کرو صلوات خشوع خضوع نال تلاوت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت پھر بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت کوشش کر کے ایڈی سونی صلوات پڑھو چودہ راضی ہو جاونا اللہ اجازت ہے جناب فرمان معصوم تو نوکری دی ابتدا اگو پھر موضوع دا انتخاب کر دیں اجازت ہے اجازت ہے بندے معصوم تے سوال کیتا مولا گناہ کیا ہے مہربانی گناہ کیا ہے ضروری نہیں ہزارہ دا مجمع ہوئے تھے پھر ہی مجلس دا ماحول ہو مجلس سال ثواب دی ہوئے مخصوصی ہوئے مجلس تے مجلس ہے مولا گناہ کیا ہے بڑے چنے ہوئے لوگ ہو میرے مالک فرمایا یاد رکھنا عقل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے مہربانی بھائی ہاتھ اونچا کرو حیدری عقل کے ہوتے ہوئے ہم چودہ کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے اور چونکہ سارے جانتے ہو ماہ جمادی الاول ہے اور اے مہینہ منسوب ہے
उस बादशाह नाल जिसका लकब है गैरतुल्ला। रूहे गैरत परवरदिगार सब्र फातह जहाद अकबर आबरूए रिसालत किरदगारे आमन। न बोलो तो गिला कोई नहीं, लेकिन मुस्कुरा के ताईद शामिल हो जाना। गरूरे तारीख आबदीन यानी अली जैनुल आबदीन बनाना भाई, थोड़ा जमा और बेटा। सरकारे सैयद साजदीन, चलो एक लफ्ज में आख देवा, बड़े जीरक लोग बैठे हो, हैसियत तो मेरी एक तालिब इल्म दी है, लेकिन एक लफ्ज में थोनों हदिया करूंगा, फिर कसीदे तक सफर करूंगा। बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा और आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अक्द, निकाह। एक लफ्ज आखा थोड़ा चेहरा गुलाब दे फूल दी तरह खिड़ जाए। ईरान दा इलाके किबला आप ताईद करेंगे, ईरान दा इलाके यज़जरद। बाबू जी खसूसी दुआ, ईरान दे बादशाह दी बेटी कायनात दे बादशाह दा बेटा। भाई क्या बात है, भाई क्या कह रहे हैं, मेहरबानी मिलता है जुनैद भाई। ईरान दे बादशाह दी बेटी कायनात दे बादशाह दा बेटा। और कदी गौर करो ना, कायनात दा ए ओ निकाह है, निकाह पढ़न वाला भी मासूम, गवाह भी मासूम, जिस दा निकाह ओ भी मासूम। नहीं शायद मैं बात पहुंचा नहीं सकिया, निकाह पढ़न वाला अली, गवाह हसन, दूल्हा हुसैन। भाई क्या बात है, भाई क्या कहने, लाहौर दा मजमे है दरी। और जिसले ए निकाह होया, ए अक्द होया, एक लफ्ज होर थोड़ी खूबसूरत समाज दे नजर कर दा, निकाह होया बीबी आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हरम बन के। ऑफिस जा सकते मालिक तुम से तारी लंबी जिंदगी अता फरमाए, इजाजत दी जा। निकाह होया और बीबी जिस वेले सैयदा दी दहलीज ते पहुंचे, पता नहीं कौन लुत्फ लवे इस बात दा, दहलीज सैयदा ते बीबी आके फरमाया, ए दहलीज सैयदा गवाह हो जा, मैं तेरे ते पेशानी रखी है, कदम नहीं रखिया। मेहरबानी सर, मेहरबानी जड़े बोले, मैं तेरे ते पेशानी रखी है, कदम नहीं रखिया। फिर वक्त गुजरता रहा, फिर आई 38 हिजरी, कूफा शहर, 15 जमादी उल-अव्वल, जुमे दा रोज, सुबह दा टाइम, बीबी शहर बानो दी पाक ते ताहिर झोली, ये वो वक्त था जब कहकशां आसमानी पेशानी पे अफशा छिड़क रही थी, नूरे किबरिया धरती पे उतर रहा था। यार नौजवान ना दे क्या कह रहे हैं, भाई क्या बात है, थोड़े माहौल बनाव दे। बहुत नूरे किबरिया धरती पे उतर रहा था। बाबू जी फिर मैं बहुत अरसे बाद सतना पढ़ लगा, ओहदे जो सरे हश्र वो तकसीम करेगा, हर लायक के तकरीम को तस्लीम करेगा, मैशर में मुझे अरसाए मैशर की कसम है, मस्जूद भी सज्जाद की ताजीम करेगा। मेहरबानी सैयद साहब,
मेहरबानी बाबा। अच्छा जेडे बंदे मैनू रोज लाहौर च या गिरदोनवाज सुनदे रहंदे ने मेरे मिजाज तो वाकिफ हन। गाली गलोच दा नाम मिंबर नहीं, ताने मेने दा नाम जाकरी नहीं, लफ्जा दी मेरी जाकरी है। गुंजाइश बनाओ तो मैं खूबसूरत तरीन लफ्ज थानू हदिया करा। अगर इजाजत होवे तो इससे बादशाह दा थानू कसीदा सुनाओ, सलावात की आवाज नाल तिलावत फरमाओ। कुदवत ज़ाहिदी ऐ इमाम मुबीन, 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 कुदवत ज़ाहिदी ऐ इमाम लक़ब मुबीन। लकब चौथे बादशाह दा कुदवत ज़ाहिदी इमामे मुबीन, कुदवत ज़ाहिदी ऐ 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 इमामे मुबीन, कुदवत बड़ी तवज्जो जी। इमामे मुबीन कुदवत ज़ाहिदी ऐ इमामे मुबीन, कुदवत ज़ाहिदी ऐ इमामे मुबीन। सैयद साजदी तेरी क्या बात है, सलामत रहो। इमाम हुसैन का वास्ता रखे, तुहानू बुजुर्गों नू मालिक लंबी जिंदगी अता फरमाए। गल मैं मुकम्मल करनी चाहना, देखो सौखियां गल्लां ते सारे ही बोलदे ने, ऐसी गल ते बोलो ते फिर दाद दे। कुदवतु ज़ाहिदी ऐ इमामे मुबीन, सैयद साजदीन तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है दा लुत्फ लेने। अगर मजलिस च हाजिर बैठे हो ते गल मुकम्मल करनी चाहना। कुदवतु ज़ाहिदी को भी नाज है, तेरे सजदों पे खालिक को भी नाज है, तेरे सजदों पे अगली गल सुनना बाबा जी। को भी नाज है ऐ कुशादा जबी तेरी क्या बात है, आप सलामत रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ऐ कुशादा जबी सलाम मलक साजो साहब उस बंदे दे हाथ नूं जिहड़ा कुशादा जबी ते उठे। ऐ कुशादा जबी तेरी क्या बात है। 38 हिजरी कूफा शहर 15 जमादी उल अव्वल जुमे दा रोज सुबह दा टाइम बीबी शहर बानो दी पाक ते ताहिर झोली जमदे तुसी असियां इन्हां दा आयता वांग नज़ूल हुंदा है। मंदर पेश करना चाहना पिया दा शहर बानो किस्मत भरी गोद में मिसल कुरान सजाद नाज़िल हुए, क्या बात है यार, थोड़े माहौल बनावण दे क्या कहे। सलामत रहो, सलामत रहो, हाथ उच्चा करो, चौथे बादशाह नु सलाम पेश करके बोलो हैदरी आबाद रहो भाई। लफ्ज़ा ते इंतहाई तवज्जो चाहना, शहर बानो किस्मत भरी गोद में मिसल कुरान सजाद नाज़िल हुए, मिसल कुरान सजाद नाज़िल हुए, किस कदर आज रोशन हुए, आपके नूर से आज रोशन हुए, आसमान जमीन तेरी क्या बात है।
सलामत रहो। आसमां और जमीन तेरी क्या बात है, ऐ कुशादा जबी। जेड़ा बंदा उर्दू अदब जानता है, कमजोर बात मिंबर ते करन दा मैं आदी नहीं, हैसियत तालिब इल्म दी, लेकिन मैं कायम दी कचारी खलोता। अगर लाहौर च शेर दा मुल ना पवे तो फिर लाहौर च ऐसा शेर पढ़न दा लुत्फ नहीं है। खुशामद दी आखरी ना कीती है ना मोहम्मद दी धी तौफीक देवे। इतना बोली मैं सारे सफर तेन दुआ शामिल रखा। सोने दी कलम दे नाल लिखी बात पियादा पिसरे शबीर को उस खुदावंद ने ऐ सरतबा दिया मरहबा मरहबा। गाल कढ़ के दाद लैन की मैं आदत ही नहीं। अगर लफ्जां की पहचान रखते हो तो फिर बोलना, मुझे देखेंगे आप। पिसरे शबीर को उस खुदावंद ने ऐ सरतबा दिया मरहबा मरहबा, ऐ सरतबा दिया मरहबा मरहबा, ऐ साबित के बाबूद जिसको कहे सैयद साजदी और ज़ैनुल अब्बास। सजदों की खातिर जमी पर रहा, सिर्फ सजदों की खातिर जमी पर रहा, सिर्फ सजदों की खातिर जमी पर रहा। अर्श के बगी तेरी क्या बात है, आप सलाम करें। सलामत बहुत मेहरबानी, इज्जत वाला दरबार है, इंशाल्लाह इज्जत लेके उठो। एक सलावत उची आवाज नाल तिलावत फरमाओ सारे। कसीदा उस मुअज्जमा बीबी दी इज्जत दा, चूंकि जमात दी उसानी भी करीब है, जिस बीबी दा लकब है ताहिरा। चुप कर गए, आबिदा जाहिदा आलिया मुहद्दिसा ताहिरा। बीबी फातिमा को जरा पे बुलाकर सलाम। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद आलि मुहम्मद। उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा हिजाबुल्लाह। मेरी औकात जरूरत नहीं इस मुअज्जमा बीबी दे फजाइल च मैं कुछ कहूं, खाकी बशर बंदे दे वस्त दी बात ही नहीं। इस मुअज्जमा बीबी दे फजाइल बयान करन वास्ते कम मज कम कौसर नाल वजू हो गए, नहीं तो गौर ही नहीं फरमाया। जुबान किस नबी दी, आम नबी भी नहीं। मयारे है कम मज कम रहमत लिल आलमीन। फिर कोई कमा हक को हूँ इस बीबी दे फजाइल बयान कर सकता, लेकिन चूंकि ड्यूटी इस ड्यूटी में ड्यूटी ते खड़ा ना। लफ्जां दी खैरात लेके मुअज्जमा बीबी दी दहलीज तो मैं कुछ अर्ज करूंगा। है दोनों जहानों पे तेरे राज का पर्दा, तौहीद के चेहरे पे तेरी लाज का पर्दा। इस समत मुहम्मद है तो उस समत अली है। जहरा ये तेरा दर है या मेराज का पर्दा। ना 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 ना, ना। मखसूस या माहौल चौखे तो तुसी है ही नहीं, लेकिन मलाइका भी थोड़े नाल मौजूद है। अगर तुसी महसूस करो कौन देवे ऐसी बात की कीमत जेड़ा उम्मे अभी हद तर्जुमा जानता है। ये मेरा ज़हन है मैं इसका ज़हन हो जाऊं, हिजाबे खालिक अकबर का चैन हो जाऊं। कहा बतूल को माँ इसलिए मोहम्मद ने, नबी का दिल था कि मैं भी हुसैन हो जाऊं।
आप सलामत रहें। लो जी बड़ा खूबसूरत माहौल, तुसा हक अदा कर दिता, मैं मुतमिन हूं। लेकिन एक लफ्ज हो रख, कौन सैयदा कौन ताहिरा, हवा दी तकलीक तकलीक हुई, खिलकत दे फौरन बाद बीबी बोली नहीं। शेर कसीदे ते सारी बोली, हवा दी तकलीक हुई खिलकत दे फौरन बाद बीबी बोली नहीं। हाजरा दुनिया ते आई फौरन नहीं बोली, सारा दुनिया ते आई फौरन नहीं बोली, मरियम दुनिया ते आई फौरन नहीं बोली। की मैं इस तो आगे पढ़ा ते जेड़ी मस्तूर दुनिया ते आमन दे फौरन बाद अपने बाबे दी रिसालत, अपने शौहर दी विलायत और अपने पुत्रां दी सियादत दी गवाही देवे, उस मुअज्जमा बीबी नूं बतूरा दे। शायर का नाम नसीम जफर, की नाम है इंडिया लखनऊ। मैं ये शेर उसका जो भी बाबा जी पढ़े पहले उन्होंने सलूट किया। नसीम जफर तेरे अकीदे नु सलाम, तेरे कलम नु मेरा सलाम। एक बंदा बोले लेकिन बोले इंज जिवें मेरा दिल ते जेडी वड्डी सतर है, हक अदा होंदा है। वो आदे देखो कहां उतरती है कुरान की आयतें, काबा भी है जमीन पर दरे सैयदा भी है। काबा भी है जमीन पर दरे सैयदा भी है, मिजाज होवे ते मैं सैयदा दी फजीलत एक लफ्ज़ पढ़ा। तूने ज़हरा होशन पाई है तेरे आंगन में किबरिया। बीबी का वास्ते फर्दे सानी की कीमत दे देना, मैं राजी हां। मैं कि बेरे सच्चा है जिसको तो ही तो जबर थोड़ी है यार, कोई धक्का थोड़ा यार, जड़े नहीं बोल सकते सलामत रहो। आबाद रहो, सलाम है यार, थोड़ी इज्जत में करोड़ सलाम है। जिसको तौहीद लोग कहते हैं तेरे शब्बीर ने बचाई है। मोदबाना मेरी गुजारिश है, इतना बोली जो पाक सैयदा दी दुआ हासिल हो जावे। दहली दे सैयदा ते सजदा रेज हो के लफ्जा दी खैरात लैके अदब दा सर झुका के बाबा जी मैं गल कड़ी पिया दा क्या बता। Yeah.
तेरी फिजा की बादशाही है। बहुत मेहरबानी। अच्छा कुछ बंदे मजलिस ऐसे भी होंगे जिन्हें शायरी नाल भी प्यार हो, शायरी नाल लफ्ज़ां नाल प्यार रखने वाले बंदे हुण उन्हां दी ज़ियारत करन लगा। धक्के दी दाद कोई दाद नहीं, दिल बोले इश्क बोले ज़मीर बोले ते बोली कौन सैयदा कौन मादरे हसनैन मैं गल कड़ी पिया दा। तू जो चाहती है वो मशीयत है, तू जो चाहती है वो मशीयत है, सलामत रहो। मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। अल्लाह सैयदादे दे दर्जात बुलंद फरमाए। खुदा गवाए ऐसे लोग हैं, ऐसे गल्लां सुनने वाले तो असी भी जाके रहते हैं, वगरना एडे त्रिखे फास्ट दौर साढ़े च जाकर की गुंजाइश ही नहीं। किनू सुनाइए जाके? जाने इमरा मुर्तजा बिनते पैगंबर फातिमा, जलवा जलवा मुर्तजा मंजर ब मंजर फातिमा, नक्श पाए फातिमा पे चल रहे हैं मुर्तजा, मुर्तजा हम सब के राहबर उनकी राहबर फातिमा। ओहो सलामत रहो, सलामत रहो। जिंदगी भर याद रखने वाला शेर, बड़े आसान जे लफ्ज़ हैं, बड़ा आसान जे मफहूम है, लेकिन जीरक लोग बैठे हो गुंजाइश बनाओ ते जिंदगी भर याद रखने वाली बात मैं गल कड़ी पिया दा। सलामत रहे। फिर पढ़ा हाथ उचा करो, हैदरी जेड़े नहीं बोले बोलो हैदरी। हुक्म बुजुर्गां दा हुक्म दी तामील च मैं फिर तिलावत करदा पिया दा।
अच्छा अच्छा सुना दें जनाब। अच्छा है अब भी याद सबको शुजाते हैदर, है अब भी याद सबको, आप सलामत रहे, है अब भी याद सबको शुजाते हैदर के जुल्फिकार नाराज नहीं होना। ये सत्रह इन्हें सुनिया तो मैं कसीदा पढ़ना जी। है अब भी याद सबको शुजाते हैदर के जुल्फिकार से नेजे से तीर से मारे, अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से मारे। गदीरी चेहरा, गदीरी चेहरा, अच्छा के बोलो अली हक। नौकरी से है अब भी याद सबको शुजाते हैदर के जुल्फिकार से नेजे से तीर से मारे, अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से। आप सलामत रहे कि जितने पाक नबी ने गदीर से मारे। मुल्क च नहीं दुनिया च पहचान बने मेरी एक कसीदा, और ऐसे ऐसे मुलायम और नफीस और चुने हुए लफ्ज ने ना बाबा जी जेड़े सरकार कसीदे च पहले बहुत कम इस्तेमाल हुए। पहला और आखिरी हज खत्मी मरतबत दी वापसी मकामे खुमे गदीर पलाणियां दा मिंबर नवे नकोर हाजी इंज हाजियां च खलो के अल्लाह दी कुल्ली रहमत वीर दा हथ बुलंद करके ऐलान कीता मन तुम तो मौला हो फहाजा यार सेरी सट गए गदीर अली गल कोई भी करे खुश होके सुनया करो फहाजा अली मौला हर कोई खुश हो गया अपने पीर अली दी विलायत दा ऐलान सुन के ते सलमान गदीर अले मैदान च भज पिया ते जेड़ी गल सलमान कीती ओ सुनावा। ये वही हाथ है, 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 ये वही गदीरी चेला बनाओ के गल करो, ये वही हाथ है। अफलाक की ये रिफत अतराफ की ये फुसत मशरे के सीने से सूरज को जिसने उगाया। सलामत रहो, आबाद रहो, बहुत मेहरबानी, सलामत रहो। बस भाई थोड़ियां दुआओं में समेट लिया अदब दी जाकरी नाल जिस बंदे दा ताल्लुक एक सत्र सुने ते मैं सलाम करा। ये वही हाथ है, ये वही हाथ, शबनम के मोती को सुबह का जुगनू बनाया। ये वही सलामत रहो। होया ही नहीं मुल्क दे किसी मिंबर ते भी ये कसीदा मैं पढ़िया होवे ते जिवें तुसी पे सुनदे हो बंदे इन सुनिया होवे नाराज ना होना। उस मयार ते आओ ते मैं लफ्ज आखा लफ्ज इस्तेमाल होया बाबा जी कुमरी, कुमरी एक परिंदा है फाख्ता कुगी हुण ते पता लग गया देना अली दा वास्ता ही मैंने मायूसी ना करी, मायूस ना करी। शेर सुन लेना ये वही हाथ है, ये वही हाथ है ते गलकड़ी पियादा गुल के बदन में खुशबू की रूह को कैसे हुनर से उतारा कुमरी अपने के रंगों को अपने ही रंग
خوشب کی روح کو کیسے ہنے سے اتارا تو میری ابے بے کے رنگوں کو اپنے ہی رنگ سے اکارا سر وہ سمر کے روپ سے جس نے چمکتی دھوپ سے سہنے چمن سے ہے جنت کا رستہ بنایا سلامت رہو آباد رہو علی دی عزت دا واسطہ ہی آؤ علی علیہ السلام دی ولایت دا نور تھوڑیاں پیشانیاں تے چمکا مار دایا ویکھنا چاہنا تے پھر یا علی مدد میں پیا دا صدر نشین عرش بری نے اپنے بدر کو بلایا عرش بری نے اپنے بدر کو بلایا پردے کے اندر پردہ بنا کے اپنا ہی پردہ بچھایا اسرار کے راز کھول کے اور مصطفیٰ سے بول کے پردے میں رہتے ہوئے جس نے پردہ لو جی قبلہ دا انتظار آئی تے میں کافی پڑھ گیا ایک شعر میں پڑھا اجازت دی ایک شعر پڑھ لوں یہ وہی ہاتھ ہے ہن مکمل میرے پاس لکھو یہ وہی ہاتھ ہے حماد شاہ جی علی شاہ جی ایک لفظ استعمال ہوئے بیرن قبلہ تھوڑی دعا دی مدد ہوئے تو میں شعر پڑھا بیرن یعنی ویرن ویر دشمنی ہر بندے دے مزاج دا شیر تے لاہور چوں قیمت نہ لبھی تے میں مایوس ہو سو یہ وہی ہاتھ ہے ویکھنا گل کتھوں ٹری ہے تے کتھے آ کے مکدی ہے یہ وہی ہاتھ ہے ابو جیل تو کعبے دا قبضہ چھڑانا اور بات ہے اور ہنداں دا سرکار حمزہ نال ویر وی شیعہ قوم دے بچے جان دے نہیں تسی چپ کر گئے اور میں شیر پڑھا تھوڑی جی مدد کرنا یہ وہی ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے میں پیادہ اب دو وہ دو ہار سو مرحب و احتر کیسے کیسے برج گرائے بدر و حنین میں دین خدا کے کس نے علم لہرائے اب دو وہ دو ہار سو مرحب و احتر کیسے کیسے برج گرائے نہیں پڑھنا آئی میرے استاداں دا قصیدہ مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے ایک سطر اس دی پڑھنی ہے اسے دے وچ ایک سطر مصائب دی تے قبلہ دے حوالے ہم برکار ہے اجازت جناب دی میں آہدا ہر منبر اتے میرا پیر علی سردار میں آہدا ہر منبر اتے میرا پیر علی سردار سراج تم کر ایندا جا نہیں سنگ
दा पारे बहुत मेहरबानी लाहौर आलिया लुटी गई है हुक्म है मेरे भाई दा उस दे दो वैन जरूर पड़ी जिंदे सहारे अली दियां धीयां जंगलां दा सफर कीता है तुसा गल अमीर बन के सुनी है जमा दूसानी करीब किबला दी ताईद नाल इक लफ्ज़ आखां अपनी पूरी जिंदगी च मुहम्मद दी धी त्रै लिबास सीत कितने एक चोला अली मुर्तजा दा लाहौर आलिया दो चोले अलमा वाले लेकिन एक फर्क है जदों अली दा लिबास सींदी रही है हाथ दोवें सलामत आए वो रोवन वाला जदो अब्बास दे चोले सींदी रही है हाथ पासे ते आई वैन करके आ दिए अल्लाह मेरा ओ पुत्र जिंद सहारे मेरिया धीया इराक मैं चंद दिन पहले जियारत करके आया करबला जेड़े नहीं गए मालिक थानू इस साल बुलावे मसाइब कोई इम्तिहान नहीं हाय करो तामी इबादत मैं बड़ा बेरियाज आके रहा जेड़ी शाम चो आई है तेरी हाय दा भी मुल दे के जाके बड़े मानन अली दी अंधियां नू अब्बास ते किबला मौजूद है मैं झूठ बोला मुजरिम हूं हाशमी सब तो वड्डा कद अलम वाले दा किबला मेरी ताईद कर संजन दा कद हाशमी सब तो वड्डा लाहौर आलिया उंदी कबर असगर तो छोटी है हाय करे रो ना रो तेरा मुकद्दर है लेकिन हाय जरूर करी चलो इतना वक्त नहीं बच गया शादी राजी रवे ढल गया डावी दड़ी अली अकबर नु बरछी अली असगर नु तीर कासिम दी लाश ते घोड़े अब्बास दे बाजू कलम चल गई तेरा जरबा लुटी गई चादर मैं पढ़िया ते तेरी हाय नहीं निकली सौखी लथी है चादर चलो तेरा अपना नसीब है मेरा अपना मुकद्दर चढ़ पिया यारा मुहर्रम दा दिन कुत्ता ऐलान करके आदे सर संगत चढ़ो रोवण आले अज़ादारों संग सर संगत चढ़ मुसलमान अली दियां धीयां दे उन्ना हत्थां च रस्सियां पाईयां लाहौर आले जिन्ना हत्था सारी जिंदगी या अल्लाह दा कुरान चाया या वफा दा कुरान चाया गल मेरी हलके दा मातमी सुने जेंदे घर दी छत ते अलम निशान है जेड़ा अलमा वाले दी हाजरी पका के वंदा है हाय इंज करे जो मुल बनी इंसान दुआ करके जावे रुद्दे हत्थां दे नाल बीबी वैन करके आ दिए वे बाकर दा बाबा मेरा पुत्र सज्जाद मैनु अब्बास दी लाश ते लै जा केड़ा शिया जंदी हाय ना निकले गाजी दी लाश ते आई है बिन बाजवां दे लाश वीर दी लाश ते कोल झण पई जेड़े रोवण आए बैठे हो ते मातम करके अली दी धी पिया दिए जैन पर दिया की दे हुण ताई पखिया पीड़ैनी वेख तसैया पाकड़िया तेरी मकतल गा विच आई मरहबा भाई मरहबा भाई मरहबा भाई अल्लाह राजी हो भी बस मैं सलाम पिया देना धी अली दी भैन अठारह वीर दी बाबू जी वैन करके पिया दी है जैन दे पर दिया की दे हुण ताई पखिया पीड़ैनी वेख कितना शान बदा बीबिया
مالک اللہ سیدزادے دے درجات بلند فرما मोमिनीन किराम एक दो ऐलानात समाअत फरमा लीजिए। ज़िक्र इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम 20 फरवरी रोज़ इतवार इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा भेकेवाल में मजलिस होगी बाद अज़ नमाज़ मगरबैन जिससे बाद अज़ नमाज़ ज़ोहरैन जिससे मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। आप मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 3 जमाती उस्सानी इमाम बारगाह जामियातुल मुंतज़र एच ब्लॉक मॉडल टाउन में मजलिस होगी बाद अज़ नमाज़े मगरबैन जिससे अल्लामा असद रजा जौहरी खिताब फरमाएंगे। आम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 8 बजे अल्लामा रौनक अफरोज़े मिंबर हो जाएंगे। आज बाद अज़ नमाज़े मगरबैन इमाम बारगाह इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम चुंगी अमर सद्धू में मजलिस हो रही है जिससे दीगर ज़ाकरीन के अलावा अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी आफ्तलहारा खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। दुरूद पढ़िएगा बावाज़ बुलंदतर सलावात। किबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ किबला अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी आफ्तलहारा से आज की मजलिस से खिताब फरमाएं और सैयद ज़िशान रिज़वी के बुलंदी दराजात का वसीला बनाएं।